हमारी बहन जो जीती है और मैं उसको कहना चाहता हूँ कि मैं उसको सलूट करता हूँ। सलूट वो भारत हजार बार सलूट है, हजार बार उस भारत के तिरंगे को इतना ऊंचा पहुंचा दिया कि हमें गर्व है अपनी बहन पर। और जो ये भाई साहब कह रहे हैं कि साजिश करने वाला है, ये साजिश करने वाले 24 घंटे विपक्ष में बैठ करके इनको हर चीज साजिश नजर आएगी। कहना अगर ये साजिश नहीं है तो क्या है? सुनिए आपके नेता, सुनिए आपके नेता, अरे आपके, अरे सुनो यार, आपके नेता सलमान खुर्शीद साहब बांग्लादेश का उदाहरण भारत से दे रहे हैं, ये साजिश नहीं है तो क्या है? ये साजिश नहीं है तो क्या है? इन सबको, इन सबको, इन रुको बढ़ो, इन सबको विशाल जी ले जाइए मैदान में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और 800 मीटर की दौड़ दौड़वाइए सबसे। हैं? चलिए हवा निकल जाएगी, हवा हवा में ही चले जाएंगे सबके सब। मतलब ये कि कहां पे मैं बात कर रहा था, किस जगह पे, किस पेडेंसिल पे खड़े होकर बात कर रहा था और बात कहां तक पहुंचा दी लोगों ने कि पक्ष आ गया, विपक्ष आ गया। अरे स्पोर्ट्स का मतलब यही मैं कह रहा था ना, जो जॉयफुलनेस है उसकी वो बना रहने दीजिए। स्पोर्ट्स अगर मैं देखता हूं, अगर स्पोर्ट्स तो इसलिए देखता हूं, मैं कवर नहीं करता सर स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी नहीं हूं, लेकिन मैं कवर देखता इसलिए हूं, रात में मैं 2 बजे 2:30 बजे तक इसलिए देखता हूं कि मुझे स्पोर्ट्स देखना अच्छा लगता है, मुझे वहां से प्रेरणा मिलती है कि एक 5 मिनट सुनिए सर, इधर देखिए, अरे साजिश, देखिए मेरी तरफ, विनेश फोगट का मैच हो रहा था विशाल साहब, प्रोफेसर 5 मिनट 20 सेकंड वो सिर्फ डिफेंस करती रही, बचाती रही। बड़ा जबरदस्त मैच हुआ जापान की खिलाड़ी से, वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन, 5 मिनट 20 सेकंड पाजी उसने अपने को डिफेंस किया, अगले 30 सेकंड में उसने मारा और 2 पॉइंट इधर दिए। बाद में वो 1 पॉइंट उसको पहले मिल गया था, वो पैसे वाला 1 पॉइंट उसके पास वो था। तो ये है उसकी स्ट्रेटजी, उसमें कोई बात नहीं कर रहा है, उसमें बात कर रहा है कि मोदी जी, और उसमें आ गया विपक्ष, उसमें आ गया कोई पन्ना, ये सब ठीक नहीं है। स्पोर्ट्समैन को इससे अलग रखिए, अलग रखिए। देखिए अगर हम बात करें खेल और खिलाड़ी की, खेल और खिलाड़ी में जाति धर्म खोजने वाले ये सबसे नरकी व्यक्ति होंगे, इनसे ज्यादा कुबुद्धि और कुमार्गी और राष्ट्र विरोधी कोई नहीं हो सकता। भाई खेल को खेल रहने दो, अब कोई पहुंचे बोले भाई हमारी जाति वाले को खेल में आरक्षण क्यों नहीं, अब कोई पहुंचे अरे हम इस धर्म के हैं अल्पसंख्यक है, आरक्षण दे भाई आरक्षण दे, अरे भाई समझो, खेल खेल की भावना से रहने दो, वहां पर अपना जाति और अपना धर्म मत घुसेड़ो। ये घुसेड़ने वाले लोग कहां से आते हैं आपको पता है? ये किसी पार्टी के एक सदस्य होते हैं, ये पार्टी के बाहर के लोग नहीं हो सकते, ये किसी नेताओं के द्वारा बैठाए हुए लोग होते हैं कि एक ट्वीट मार दो, अरे ओबीसी वर्ग वाला खिलाड़ी कितना था क्रिकेट में इसीलिए जीत गए। अभी मैं देख रहा था क्रिकेट का बात हुआ तो सूर्य कुमार ने किया तो कैच लिए, मानते खिलाड़ी का वो वर्चस्व था सूर्य कुमार यादव जी का, अब एक आदमी फला आदमी पहुंचा कर आए यादव ने जिताया ओबीसी ने जिताया, ये कितने गंदे मानसिकता के लोग थे। अब आरक्षण की बात उसमें घुसेड़ दो, ये सारे लोग जानते कैसे हैं? फिर कह रहे हैं ऐसे लोग देश विरोधी राष्ट्र विरोधी आतंकवादी समर्थक नक्सलवाद समर्थक के लोग होते हैं। आप स्पोर्ट्स क्यों देखते हैं? रुकिए मैं आ रहा हूं, सूर्य कुमार जी हमारे ही हैं, उतने ही हैं जितने तुम्हारे नजर आएंगे, आप स्पोर्ट्स क्यों देखते हैं? देखिए मैं स्पोर्ट क्यों देखता हूं इसका जवाब देने से पहले मैं बता दूं, मैं एनसीसी किया हूं, 5 साल तक किया हूं, सी सर्टिफिकेट अल्फा ग्रेड से हूं। अभी कुछ लोग कह रहे थे ना कि ये जो 4 साल की आर्मी वाली आई है इसका क्या होगा, 5 साल सेवा दिया हूं सी सर्टिफिकेट फिर भी आर्मी के लिए आवेदन नहीं किया, क्योंकि मुझे देश के प्रति अपने अनुशासन लाने हैं। खेल से अच्छा अनुशासित और स्वस्थ व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। मैं पहले भी आपके चैनल बताऊं, मैं योग कराता हूं, जानता हूं अगर जिसको योग नहीं आता वो खेले दौड़े कूदे अनुशासन लाए और मेडल के द्वारा अगर आप देश का प्रतिनिधित्व विश्व पटल पर कर रहे हैं, आपके देश में पहले 2-4 आते थे, आज 50 और 100 की गिनती आप गिनने लगे, इकाई से दहाई दहाई से सैकड़ा की ओर आपका देश अग्रसर है, तो आपकी छाती क्यों फाड़ती है? क्योंकि आप चाहते हैं लोग हमको सपेरा वाला ही लोग कहे। अगर हम धोती कुर्ता पहनते हैं सभ्यता संस्कृति की निशानी है, लेकिन जींस का पैंट और जींस के पैंट के ऊपर कुर्ता पहन के हम विश्व पटल पर दिखाएंगे देखो हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता समस्त विश्व पटल को अपने आप समाहित। और जब वो कल जर्मन से, हालांकि कल 2 फाउल हुए वो बड़ा वो लगा, लेकिन वो खिलाड़ी है वो तो होता ही है,
बात तो फाउल की और उसकी नहीं है, बात दरअसल इसकी है कि खेल की जो जिसकी विवेचना आप कर रहे थे, हम देखते इसीलिए हैं सर। मुझे कोई ऐसा नहीं, कोई डिसिप्लिन में खेलने जाता हूं कि हॉकी खेलता हूं या क्रिकेट खेलता हूं, नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ इसीलिए जाता हूं कि वहां से मैं प्रेरणा के सुनो सिवाय राजनीति की और कोई समझ में नहीं आता कुछ, आलोचना आलोचना। अरे कभी सहज भाव से भी रहो, और सहजता सीखनी हो तो कभी स्पोर्ट्स ग्राउंड जाया करो, कैसे सहज रहना सीखा जाता है। जनाब कहां से आना हुआ? राजकोट गुजरात। राजकोट गुजरात से आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो कुछ कहना चाहेंगे? आज तो स्पोर्ट्स पे बात हो रही है और ये मुल्क बहुत कम बात करता है स्पोर्ट्स पे, ज्यादातर समय किस पे बात करता है? राजनीति पे। राजनीति जी, मसाला ना खाया करिए जी। हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। आज के हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो विनेश जी का वो निकल दिया पदक, फिर भी उसने वो नाम कमाया है। गुजराती में बोलिए जरा तो अच्छा लगेगा। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? उसको 100 ग्राम वजन वधारे तू, कोई काटी नहीं खा विनेश जी ने, तो पण एनु आखा देश सम्मान करू, नाम निकलू आखा वर्ल्ड में, पण लोको एम कहे छे के विनेश ने राखवानी जरूर। विनेश ने पूरे विश्व में नाम कर दिया, और जिसको हराया उन्होंने जापान के खिलाड़ी को, जैसा मैंने पहले कहा उसके पास 4 वर्ल्ड कप टाइटल्स हैं, 4 ओलंपिक चैंपियन थी वो, उसको उसने पटकनी दी थी क्वार्टर फाइनल में। जापान में सबसे बड़ी खबर थी हरनान जी, सबसे बड़ी खबर थी। मुझे मालूम है आपको ब्रेक चाहिए, लेकिन मेरा बस चले तो आज मैं सिर्फ यही स्पोर्ट्स पे ही बोलता रहूं, और आपने तो क्या अच्छा बोला, क्या लाजवाब बोला है आपने।